दोस्तों पिछले कई सालों से लोगों के बीच में चर्चा है कि भारत चीन को पछाड़ कर अगला चाइना बन सकता है, लेकिन क्या भारत ये कर पाएगा? इस पर सभी के मत अलग अलग हैं। एक सवाल और भी है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्या भारत को चीन के मॉडल पर चलना चाहिए, और आखिर ये चीन का मॉडल है क्या? इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों भारत और चीन में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वो है पॉपुलेशन, और सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि एक यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन का फायदा ये होता है कि इन्हें ट्रेन किया जा सकता है फ्यूचर में आने वाली जॉब्स को लेकर। इसे अगर एक एग्जांपल से समझें तो अगर आज एक आदमी जो सिर्फ लैंडलाइन सेटअप करना जानता है तो वो काम ढूंढने में काफी मुश्किल का सामना करता होगा, और अगर इस आदमी की 40 या 50 साल के करीब है तो इस उम्र के पड़ाव पर एक नई स्किल सीखकर दोबारा मार्केट में स्ट्रगल करना हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो। इसीलिए यंग पॉपुलेशन का फायदा ये है कि मार्केट के हिसाब से जल्दी बदल सकती है। अगर हमें ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है तो सरकार को सिर्फ ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं जहाँ पर कम फीस में लोग पढ़ पाए, और कुछ ही सालों में आपके पास डॉक्टर्स की नई आर्मी होगी, क्योंकि हमारे यंग पॉपुलेशन के कारण इन कॉलेजेस की सीट तुरंत भर जाएंगी। चीन को भी यही एडवांटेज था। खैर ये तो हुई दोनों के बीच कम्युनलिटी की बात, लेकिन देखा जाए तो भारत और चीन की इकोनॉमी के बीच में बाकी चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। भारत के पास यंग पॉपुलेशन का फायदा ये भी था कि यहाँ पर 12.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, और भारत अंग्रेजी बोलने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन में ऐसा नहीं था, और आज भी वहाँ पर इंग्लिश बोलने और समझने वालों की संख्या उतनी नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने अपनी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश किया, वहीं भारत में हम एक सर्विस सेक्टर भी बना पाए। फिर चाहे वो कॉल सेंटर्स की जॉब हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को मैनेज और एडवाइस करने वाले मैनेजमेंट फर्म्स, इनके लिए भारत में एक मौका था, क्योंकि पूरी दुनिया इंग्लिश को एक न्यूट्रल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करती है। इसलिए हमारी कंपनीज और दुनिया भर की कंपनीज के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसमें ज्यादा परेशानी नहीं आई। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 1990 के बाद शुरू हुई, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोल दिया। इससे पहले भारत की इकोनॉमी फॉरेन कंपनीज एंटर ही नहीं कर सकती थी। उनके प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने पर इतनी ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी कि वो मार्केट में भारत के बने प्रोजेक्ट से कई गुना महंगे हो जाते थे, और यहाँ की कंपनीज को इसका फायदा मिलता था। लेकिन इस मॉडल में एक परेशानी थी जो 1990 के बाद भी काफी वक्त तक चलती रही, और वो ये थी कि इंडियन कंपनीज को भी कई तरह के रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करने थे, जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण काफी महंगे हो जाते थे। इसके अलावा आपको अगर एक बिजनेस खोलना है और 80 से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी आपको, और ये सिर्फ सारी क्लियरेंस लेने के लिए ही आपको किसी को हायर करना पड़ेगा ताकि वो सारा पेपर वर्क देख ले। ये बिजनेस सेटअप करने को इतना मुश्किल बना देता था कि या तो लोग अपना प्लान ही ड्रॉप कर देते थे या फिर इनफॉर्मल या ग्रे सेक्टर में ऑपरेट करने लग जाते थे। यानी वो अपना धंधा तो चला रहे हैं लेकिन बिना सरकार को बताए, जिससे हमारी इकोनॉमी में ब्लैक मनी बढ़ रही है और सरकार को भी रेवेन्यू कमाना था। इम्पोर्ट पर इतना टैक्स लगाने के कारण एक नुकसान ये भी हुआ कि इंडियन कंपनीज का कोई कंपेटिटर नहीं था, और साथ ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को यहाँ लाना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए जो भारत के लिए तो ठीक थे, लेकिन आप उन्हें दूसरे देशों में इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। भारत में बनने वाली कार्स आज भी आप यूरोप या अमेरिका को नहीं बेच सकते, क्योंकि वहाँ की कंपनीज बेटर कार्स बनाती हैं। और इस बात को हमें मानना चाहिए, एक्सपोर्ट की वजह से भारत के पास फॉरेन रिजर्व हमेशा ही कम रहता था, और जब तक सोवियत यूनियन था तब तक तो भारत ने उनसे डॉलर्स खरीद कर अपना काम चला लिया। लेकिन सोवियत यूनियन के खत्म होते ही भारत को एक नया सोल्यूशन चाहिए था, और वो बनी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। इस पॉलिसी ने भारत को काफी ग्रोथ दी, और तब से अब तक भारत की इकोनॉमी हर 5 साल में डबल हो रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम चीन को देखें तो उन्होंने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर ही फोकस रखा, और आज उनकी इकोनॉमी भारत से 6 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो इसलिए हमें ये भी समझ आया कि सिर्फ सर्विस सेक्टर पर ही डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता है। वर्तमान सरकार ने मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है ताकि चीन की सक्सेस को यहाँ पर भी दरगाह दी जा सके। इसलिए बहुत तरह के पेपर वर्क को खत्म कर दिया गया है। फॉरेन कंपनीज को अब जल्दी लैंड मिल जाती है। कुछ सेक्टर्स में तो उन्हें शुरुआत करने के कुछ साल टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि वो अपने पैर अच्छे से यहाँ जमा पाए। इसके कारण हम देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन से लेकर एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अब भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लेकर आने लगी हैं। लेकिन यहीं पर एक भ्रम भी पैदा होता है, और वो ये है कि भारत को अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही फोकस करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ ये सच है कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ की है, लेकिन चीन के पास भी अगर भारत जैसा सर्विस सेक्टर होता तो वो दोनों ही सेक्टर को यूज करता, और आज जितना सक्सेसफुल है उससे और भी ज्यादा बड़ा होता। मैन्युफैक्चरिंग तो भारत में हो रही है, लेकिन भारत में सॉफ्टवेयर्स भी बन रहे हैं। इंडस्ट्रीज जो चीन नहीं जा सकती, उसकी एक बड़ी वजह है चीन का कॉपीकैट एटीट्यूड, क्योंकि
दुनिया भर की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनको हमेशा ही डर बना रहता है कि कहीं चीन उनके सोर्स कोड को कॉपी ना कर ले, जबकि भारत के साथ उन्हें एक ट्रस्ट फैक्टर एक्स्ट्रा मिलता है जिस वजह से वो भारत को ही प्रेफर करते हैं। ये सही है कि मैन्युफैक्चरिंग हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना देगी, लेकिन अभी भी हमें सर्विस सेक्टर का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसकी ग्रोथ के लिए भी उसी तरह पॉजिटिव कदम उठाने चाहिए। चीन की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, जिसका मतलब है कि अब उनके पास मैन पावर कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में या तो चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पूरी तरह से ऑटोमेटेड कर देगा और हर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए रोबोट्स की मदद लेने लगेगा, या फिर इन कंपनीज को चीन को छोड़कर भारत आना ही पड़ेगा। चीन की परेशानी ये भी है कि रोबोट्स में बहुत खर्चा होता है और दुनिया भर की कंपनीज चीन में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बचाने के लिए आती हैं। इसीलिए अगर उन्हें अब चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने पर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खोल ले, क्योंकि जब चीन और यूरोप में मैन्युफैक्चर करने में कोई प्राइस का फर्क ही नहीं रह जाएगा तो कोई भी कंपनी अपने मार्केट के पास ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहिए। इसका एक दूसरा सलूशन ये है कि वो भारत के पास आएंगे, क्योंकि भारत आने पर उन्हें सेम क्वालिटी में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ यंग लोग हैं बल्कि उन्हें यूरोप के मुकाबले मैन पावर पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा रीजन रहेगा यूरोप या अमेरिका में फैक्ट्री सेटअप ना करते हुए भारत आना। लेकिन इस चीज से भारत को भी ये सीखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग के दम पर आप अकेले इकोनॉमी नहीं चला सकते। अभी तो फॉरेन कंपनीज इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद आपकी लेबर की इनकम भी तो बढ़ेगी, और नहीं बढ़ी तो उसकी डिमांड करेगा, और आखिरकार हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इन विदेशी कंपनीज के पास सिर्फ वही ऑप्शन होगा कि या तो भारत से सस्ते मैन पावर वाले देश में शिफ्ट हो जाएं, या पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वापस अपने यहाँ ले आएं। सर्विस सेक्टर यहीं पर एक बड़ा रोल प्ले करता है। सर्विस सेक्टर आपको एक पैरेलल मार्केट तो देगा ही, बल्कि साथ ही आपके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी धीरे धीरे बेहतर करता रहेगा, जिससे विदेशी कंपनीज के लिए भी भारत में मार्केट क्रिएट होगा। एप्पल इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग चाहे ना करे कि उसे आईफोन्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने, पर भारत में ही आईफोन्स की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि उसे यहीं पर उसे मैन्युफैक्चर करके फायदा होगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनना हमेशा से एक टेम्परेरी सोल्यूशन रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमेरिका है, जिसने दोनों विश्वयुद्धों के दौरान सिर्फ आखिर में वॉर ज्वाइन की, और तब तक उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उन्हें बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि वॉर के कारण डिमांड तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन यूरोप में वॉर चल रही थी और इसीलिए नई फैक्ट्रीज लगाना वहां पर इम्पॉसिबल था। अमेरिका ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दिनों में कमाई गई दौलत को फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। आज अमेरिकन कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं, बनाती नहीं है। इसीलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत को चीन जैसा नहीं बनना है, बल्कि चीन से बेहतर बनना है और हर सेक्टर में खुद को मजबूत बनाना है। आपको क्या लगता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट भारत कब तक पूरा कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।